वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने बाबा फिजियोथेरेपी चैनल में। मेरा नाम है नयन सिंह और आप देख रहे हैं बाबा फिजियोथेरेपी चैनल को। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आप अपनी वीडियो का थंबनेल कैसे बनाते हो। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको थंबनेल की पूरी जानकारी और थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों, किसी भी वीडियो को व्यूवर्स आने से पहले जैसे भी आते हैं वो थंबनेल्स को देख कर ही आते हैं। आपकी वीडियो जितनी देखी जाएगी उतने ज़्यादा आपके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर और कमेंट आएंगे। तो अगर आपकी वीडियो का थंबनेल अच्छा नहीं है तो आप लोगों के व्यूवर्स नहीं आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उतने व्यूवर्स नहीं आएंगे जितना कि आपके सब्सक्राइबर, यानी कि आपका टाइटल अच्छा हो और थंबनेल अच्छा हो तभी आते हैं। सबसे ज़्यादा मायने रहता है कि आपका टाइटल कैसा है, यानी कि आपका जो लोगो थंबनेल लगा है उसको भी मायने रखता है। जो भी लोग आपकी वीडियो को देखता है तो सबसे पहले वो आपके थंबनेल को देख के आता है। तो आप अपनी वीडियो के थंबनेल को अच्छे से बनाएं। और आपको वीडियो के थंबनेल को बनाना नहीं आता है तो आज मैं आपके वीडियो को थंबनेल को बनाना पूरा बता दूंगा। तो वीडियो थोड़ा बहुत तो लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा मन लगा कर देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आज आपको पूरा थंबनेल एडिटिंग बता दूंगा कैसे होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और HD में होती है। तो आप लोगों को इस वीडियो को मतलब कि थंबनेल को बनाना चाहते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप बिना एप्लीकेशन करना चाहते तो मैं आपको ऐसी राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो एप्लीकेशन से ही थंबनेल को एडिटिंग करता हूँ। तो आप कौन सी वो एप्लीकेशन है तो उसके बारे में बताता हूँ। तो जो एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो और उसके बारे में वहाँ से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और भी कुछ एप्लीकेशन पड़ी हैं एडिटिंग की, आप वहाँ से जाके वहीं से इंस्टॉल कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी आके उनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं और लोग और ऐप की जानकारी मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा, लेकिन मैं अभी थंबनेल के बारे में आपको बताने आया हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स जो हैं मुझसे और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उनसे पूछ रहे थे कि सर आप अपनी एडिटिंग के बारे में हमको बताओ, हमको थंबनेल बनाना है और हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो आपका व्यूअर्स का ही है, क्योंकि जितना अच्छा आपका थंबनेल होगा उतने अच्छे आपके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स आएंगे। क्योंकि जब तक आपके व्यूअर्स नहीं आएंगे तब तक आपका थंबनेल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि YouTube आपकी वीडियो को सजेशन में तो डाल देता है, मतलब कि सजेस्ट तो कर देता है, लेकिन आपकी वीडियो को कोई लोग देखना पसंद नहीं करता। अगर आपकी वीडियो का थंबनेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बताइए दोस्त, आपकी वीडियो को कौन देखेगा। तो सबसे पहले तो आप अपने थंबनेल को बहुत अच्छे से बनाएं, क्योंकि थंबनेल को देख के ही सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी कमी तो कि आप लोग अगर थंबनेल को भी सही से नहीं बनाते हैं तब भी सब्सक्राइबर नहीं आते। जिससे रिलेटेड आपका थंबनेल है, यानी कि आपकी वीडियो है उसी से रिलेटेड आप थंबनेल बनाएं, 95% लोग आपके व्यूअर्स जो हैं थंबनेल्स को देखकर ही आते हैं, आपके टाइटल और नेम डिस्क्रिप्शन टैग को देख के नहीं आते। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा आजमाया गया तरीका है। आज मैं आपको इसके पूरी एडिटिंग के बारे में बताता हूँ। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगली वीडियो कैसी बना के लेने आनी चाहिए मेरे को, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और वीडियो की एडिटिंग के बारे में दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। बनना वीडियो की पूरी एडिटिंग आपको मैं दिखाऊंगा, कैसे होती है वो एडिटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन खोलते हैं जिसका नाम है थंबनेल मेकर। अगर आपको ये एप्लीकेशन नहीं मिल रही है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो और वैसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल है अभी, तो मिल जाएगी आपको। लेकिन मैं अब आपको एडिटिंग स्टार्ट करना दिखाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है दोस्तों और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना, इसलिए मैं दिखाता हूँ। तो थंबनेल मेकर ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मतलब कि ओपन करते हैं। सबसे पहले ओपन करने के बाद ये दिखा रहा है कि ऑनलाइन हो जाइए पहले।
ठीक है, फिर इसको मतलब कि क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद आप 16:9 पे आप क्लिक करना, क्योंकि आप थंबनेल बनाओगे तो थंबनेल पे ऐसे क्लिक करना। और मैं आज आपको पूरा बना के दिखाऊंगा, और मैं आपको ये थंबनेल ऐसे कोई सा आप एक फ़ोटो ले सकते हो या ओपन करोगे, और फिर इसका मतलब कि 76 साइज आप बढ़ा सकते हो। मैं तो 76 रख रहा हूँ क्योंकि 76 बिल्कुल बेटर रहता है, ठीक है। और इसके बाद अब पता है क्या होगा, अब इसके बाद आप लोग सबसे पहले जाके आप जो भी वीडियो के बारे में लिखना चाहते हो, जैसे कि मेरा वीडियो है, मेरा चैनल का नाम है बाबा फिजियोथेरेपी, तो मैं चैनल का नाम लिख के दिखाता हूँ आपको। तो मैं बाबा फिजियोथेरेपी लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बाबा फिजियोथेरेपी मैंने लिख दिया। अब इस तरीके से इसको यहाँ पर साइड से छोटा बड़ा करना चाहो तो हो सकता है, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा हो सकता है, और जितना चौड़ा चाहो तो उतना चौड़ा भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे करके आप इसको लगा सकते, ठीक है। मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, अब हुआ क्या, मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं और भी लिखना चाहूँ, ठीक है, तो जैसे कि मैं और भी कुछ लिखना चाहूँ, तो जैसे कि मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब, तो ऐसे करके आप लिख सकते हो प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसे करके आप जो भी कुछ आप लिखना चाहो तो ऐसे करके आप टाइटल और थंबनेल को अच्छे से आप सजा सकते हो, थंबनेल को ऐसे करके आप जो भी लिखना चाहो लिख दिया, ठीक है। अब इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, थोड़ा भी और भी लिखूँगा। तो इसको ये लिखने के बाद अब आपको कोई एक फ़ोटो लेना है, जैसे कि मैं अपना फ़ोटो ले लेता हूँ गैलरी में। गैलरी में मैंने PNG बना रखी है। अगर आप लोगों को PNG बनानी नहीं आती है तो मैं आप लोगों को PNG के ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने, आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो मैं पिक्चर ले वीडियो को ये कहाँ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि मेरे पास बहुत सारी PNG हैं, और मैं कुछ PNG आपको यहाँ पर एडिट करके दिखा रहा हूँ, इसलिए अभी अगर कुछ पूछना है तो आप अगली इस वीडियो में कमेंट कर लीजिए, मैं आपको अगली वीडियो बना के ले आऊँगा उसके ऊपर, और आपको इससे पूरी जानकारी देता हूँ। तो मैंने ये फ़ोटो अपना जो है ले लिया, ठीक है। अब लेने के बाद हुआ क्या, अब मैं इस फ़ोटो को कहीं भी लाऊँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन दोस्तों बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, और मैं आपको देखो बहुत ज़्यादा अच्छा ओसम बिल्कुल आपको ये थंबनेल बना के दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग भी कहोगे ये थंबनेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को सर, क्योंकि ऐसी एडिटिंग हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो आप लोगों को अगर एडिटिंग करनी नहीं आती तो आप लोगों से मेरे से पूछ सकते हो। तो फिर स्टिकर पे आके क्लिक करते हैं, जैसे कि स्टिकर कोई लेना चाहते हैं, जैसे गर्मी चल रही है या सेल एंड ऑफर चल रहा है, या हैप्पी बर्थडे जैसे किसी का भी कुछ चल रहा है, तो आप जाके ऐसे ले सकते हो। मैं इसको लगाना चाहता हूँ सेल स्पेशल ऑफ़र, इसको ऐसे चौड़ा बड़ा करना चाहूँ तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। फिर इसको मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, बीच में मैंने लगा दिया, ठीक है। चलो इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ, ठीक, इसको यहाँ लगाता हूँ, ओके, ठीक है। अब इसको करने के बाद हुआ क्या, अब आप इस पर इफेक्ट डालना चाहो, कोई पीछे का बैकग्राउंड पे कोई, तो आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं अच्छे तरीके से, देखो इफेक्ट पड़ रहा होगा, इस तरीके से आप इफेक्ट डाल सकते हो, और काफ़ी अच्छा आप इफेक्ट डाल सकते हो। देखो मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ कितने कितने अच्छे इफेक्ट्स आ रहे हैं, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि इतनी अच्छी एप्लीकेशन है ये, और इससे बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। और भी आपको एडिटिंग के बारे में पूछना है, पिक मतलब कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको और एप्लीकेशन के बारे में, इसके मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हैं, और आप लोग वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आके चेक कर सकते हो, और वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हो। ये सब जो तरीका है ये बिल्कुल HD में बनाने का तरीका है। इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड बदलना चाहो तो आप यहाँ से बैकग्राउंड बदल सकते हैं। जैसे कि मैं बैकग्राउंड चाहता हूँ कि मेरे को कोई अच्छा सा ग्रीन कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया। यहाँ पर ब्लर और ट्रैवल सभी तरीके के आते हैं, ट्रैफिक वगैरह के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये अपना थंबनेल को ऐसे इतना मैंने कर दिया। अब आप बताइए इसमें कोई कमी लग रही है आपको, ठीक है। अब मैं अभी भी यहाँ पर लिखना मैं कुछ करना चाहता हूँ, थोड़ा कुछ बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने PNG बनी रखी है, तो मैं आपको PNG बना के दिखा रहा हूँ। इंस्टाग्राम जैसे यूट्यूब के बारे में दिखाता हूँ, यूट्यूब मैं कहीं से चिपका लेता हूँ, ठीक है, यूट्यूब का ही ले लो, मैं यूट्यूब को ही चिपका लेता हूँ थोड़ा सा। तो यूट्यूब के बारे में बात करूँ, नहीं यूट्यूब नहीं, यूट्यूब छोड़ो, क्योंकि यूट्यूब की PNG नहीं बनी हुई इसमें, और मैं आपको और सारी PNG दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को PNG बनानी आती है। आप लोगों को अगर PNG नहीं आती बनाना तो आप लोग PNG बनाना सीख जाना, मैं आपको PNG बनाना बता दूंगा कि PNG कैसे बनाते हैं और कितने अच्छे तरीके से बनाते हैं। बहुत सरल तरीका है PNG बनाने का दोस्तों, क्योंकि खाली एक ट्रिक होती है, बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है। मैं वीडियो थोड़ी लंबी तो बन रही है मेरी, लेकिन मैं आपको ट्रिक इतनी अच्छी अच्छी बता दूंगा कि आप लोग हैरान हो जाओ कि इतनी अच्छी ट्रिक कैसे सीखी, कब सीखी,
क्योंकि मैं अच्छी अच्छी ट्रिक लाते रहता हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूँ सेव करके, और आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर भी करना, और अगली नेक्स्ट वीडियो कैसी लेके आनी इसके बारे में मेरे को कमेंट करना। तो ऊपर जाके फिर इसको सेव कर लेते हैं। जी हाँ, अब ये सेव हो गया। देखिए लिख के आ रहा है थंबनेल सक्सेसफुली। अब आपका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब आप इसके बारे में जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे चला सकते हो। और मैंने कितना अच्छा, देखो आप, मैंने थंबनेल बनाया, आप लोग देख सकते हो। मैं कुछ आपको गैलरी में भी दिखा सकता हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लीजिए। ये रहा मेरा थंबनेल, तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार का थंबनेल आप बना सकते हो। कितनी अच्छी क्वालिटी में ये थंबनेल बन रहा है, आप भी देख सकते हो। और मैंने बहुत अच्छी मेहनत से बनाया है ये। आपको भी बनवाना है ऐसा थंबनेल या बनाना है तो आप इस एडिटिंग के बारे में सीख लीजिए और इस ऐप के बारे में। अगर आप लोगों को सीखना हो कि फ़ोटो की एडिटिंग कैसे करते हैं, हम अपने DSLR जैसे फ़ोटो कैसे खींचते हैं, इसके बारे में मैंने सारी वीडियो बना रखी हैं, और आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, इतना बताने के लिए रह गया था तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए इस वाले लिंक पर, और मेरे यहाँ से सभी वीडियो आ जाएंगे और वहाँ से आके आप चेकआउट कर सकते हैं इसमें। और कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना दोस्तों। चलते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। और कोई सुझाव हो तो मेरे को ज़रूर बताना।